स्वागत है आपका ब्लॉग आउट में और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो आपके अनचाहे बालों को रिमूव करने का काम करेगा, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना पार्लर जाए। वैसे तो मैं अपने वीडियोस में आपको लगातार होम रेमेडीज बताती रहती हूँ, अलग अलग तरह की होम रेमेडी बताती हूँ। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे फेस पर भी बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं जो देखने में अच्छे नहीं दिखाई देते। गर्ल्स में खास तौर पर चेहरा साफ दिखने की चाह होती है कि उनका चेहरा साफ दिखे। अपर लिप पर भी बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, आप चिन पर भी हेयर आ जाते हैं, ये जो लाइन होती है यहाँ पर भी हेयर हो जाते हैं, सर पर भी हेयर आ जाते हैं, तो कई बार ये हेयर काफ़ी भद्दे दिखाई देते हैं। तो इस वजह से हमें लगातार पार्लर जाना पड़ता है और उसके बाद इन हेयर्स को रिमूव कराना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपर लिप करवाते होंगे तो 15 डेज के अंदर आपके अपर लिप आ जाते हैं, या फिर आप कई सारे लोग होते हैं जिनको हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है फेस पर, तो फेस पर भी वैक्स कराई जाती है लेकिन वो भी 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप कहीं के भी अनचाहे बाल, जैसे कि हाथ पे भी आपने देखे होंगे कई बार, यहाँ पर भी बाकी हाथ पर हेयर नहीं आते लेकिन फिंगर्स पर हेयर आ जाते हैं, ईयर्स पर हेयर आ जाते हैं, तो ये जो चीजें होती है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाली होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा DIY जो आपके अनचाहे बालों को रिमूव करने का काम करेगा। देखिए, अगर आप अपने हाथों पर भी जैसे वैक्स कराते हैं और ये नुस्खा हाथों पर भी आजमाते हैं तो ये हाथों पर भी वर्क करेगा लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। बहुत ज्यादा अगर हार्ड ग्रोथ है आपके हाथों की तो इस नुस्खे को आपको लगातार आजमाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो ग्रोथ है वो कम धीरे धीरे। देखिए, जब भी आप इस तरह के कोई नुस्खे आजमाते हैं तो ये ना धीरे धीरे आपकी चीजों को, आपकी हेयर ग्रोथ को कम कर देता है। जब भी आप कोई भी, मैंने पहले के भी वीडियोस में हेयर ग्रोथ से रिलेटेड, अनचाहे बालों से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं और मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इस प्रॉब्लम से आपको पूरी तरह से निजात दिला देता है। तो ये वाला भी सॉल्यूशन है। अगर आपके हाथों की, पैरों की हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो आप इसके लिए थोड़े लंबे समय तक के आप इस ट्रीटमेंट को करते रहिए। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है और ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट वाला है। जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ उन चीज़ों में कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप इसे आजमा सकते हैं। काफी कम समय में ये रेडी भी हो जाता है, साथ ही साथ आपके पैसे भी बच जाते हैं और आने जाने का जो आलस आता है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा आलस आता है कि आप जाके पार्लर जाओ, फिर वहां घंटों बैठो, वेट करो और फिर कोई ट्रीटमेंट लो। नहीं, मैं उससे अच्छा प्रेफर करती हूँ कि मैं घर की ही चीजों से ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ और जो ये नुस्खे हैं उन्हें आजमाती हूँ और बिल्कुल अपने आप को टिप टॉप बनाकर रखती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको ये नुस्खा। तो सबसे पहले देखिए, इस होम रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है अदरक का रस। आपको यहाँ पर अदरक को अच्छे से किस कर उसका रस निकाल लेना है। ये मैंने 1.5 टीस्पून के लगभग यहाँ पर अदरक का रस निकाला है। ये मैं प्रॉपर वीडियो जो बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है अदरक का रस। अब मुझे इसमें दूसरी चीज़ मिलानी है, वो है गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, साथ ही साथ ये आपकी हेयर, जो अनचाहे बाल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको यहाँ मिला लेना है गेहूं का आटा। थर्ड चीज़ आपको यहाँ पर मिलानी है वो है नींबू। आपको नींबू को काट लेना है और आपको हाफ नींबू इसमें मिला लेना है। जो नींबू होता है वो आपके जो हेयर्स होते हैं उनको रूट से कमज़ोर कर देता है और उसके बाद ये आसानी से आपके जो हेयर हैं वो निकल जाते हैं, कोई ज़्यादा इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये आसान सा तरीका। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से क्रीमी फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से जब ये हो जाए, अच्छे से बहुत देर तक फेंट लेना है आपको। इसके बाद इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको मैं दिखाती हूँ।
अब ये नुस्खा एकदम से रेडी है। अब आप मान लीजिए कि आपको अपनी उंगलियों पर ये नुस्खा आजमाना है, जो अनचाहे हेयर हैं वो आपकी इन उंगलियों पर हैं, तो आपको इस तरह से पहले अच्छे से देख लीजिए कि हाथों पर कोई भी तरह का कोई क्रीम नहीं लगा रहे, ना ही मॉइस्चराइजर लगा रहे। तो इस तरह से आप जिस भी तरफ आपके हेयर हो, जैसे नीचे की तरफ आपके हेयर हो तो उसके ऑपोजिट साइड आप इसको लगाएं, और हमेशा ऑपोजिट फॉर्म में इसको लगाएं, और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर लें, रगड़ रगड़ कर वॉश करें, जिससे कि क्या होगा, जो आपके हेयर हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग सा नुस्खा है, 0% साइड इफेक्ट है इसके। एक बार आजमाइएगा, आपको जरूर फायदा करेगा। एक बार इस ट्रीटमेंट को आजमाएं तो मेरे साथ शेयर करें, मैं जरूर अपने वीडियो में बताऊंगी कि किसे कितना ज्यादा फायदा हुआ है इन घरेलू नुस्खों से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।